अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक आप बता रहे थे कि हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों से अगर कभी अटैक हुआ, क्योंकि सिंस ये बहुत सारे रूमर्स हैं और रियलिटी है कि नहीं है वो द वर्ल्ड विल टेल, कि चाइना बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इंटरनली और उनकी इकोनॉमी टेक्निकली चाइना ही चला रहा है एक तरीके से, क्योंकि बहुत डेट दे रखा है और दे सपोर्ट। तो देर लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर वो दोनों ट्राई करते हैं एंटर करने का, कि कहीं एक जगह से आप थोड़ा गुमराह करो और दूसरी जगह से एंटर करने की कोशिश करो, तो क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है कि दोनों एक साथ पे उन दोनों के अगेंस्ट खड़ी हो पाए? द शॉर्ट आंसर इज येस, हम तैयार हैं। हमने अपनी जो लड़ाकू फॉर्मेशंस हैं, सेनाएं हैं, उनको रीपर्पस कर दिया, मतलब इस हिसाब से रीओरियंट कर दिया है। रीपर्पस एक सिविलियन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो दूसरी तरफ मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये आसानी से होगा, क्योंकि चीन अगर सुपर पावर बनने के सपने देखता है, नंबर वन सुपर पावर बनने के सपने देखता है, तो वो किस मुंह से कहेगा कि मतलब मैं मेरे भारत का युद्ध था और हमने फिर पाकिस्तान को बोला हमें हेल्प करो, तो वो उसके लिए लॉस ऑफ फेस होगा, और चीन जैसे देश में, इन देशों में लॉस ऑफ फेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लॉस ऑफ फेस है मतलब देखिए, आप एक सुपर पावर हैं और आपको इंडिया से टक्कर लेने के लिए फिर एक और छोटे से देश से सहारा लेना पड़ा, तो ये एक सुपर पावर को शोभा नहीं देगा, वो ये मान के नहीं करेगा। हाँ, पैसिव तरीके ज़रूर होंगे सपोर्ट के, जैसे उस टाइम पे टेररिस्ट अटैक को बढ़ा दो ताकि हमारी सेनाएं कुछ उस तरफ लगी रहें, उनके जो एयरफील्ड्स हैं वो बहुत ऊंचाई पे हैं तिब्बत में, हाइट पे हैं, जब एक एयरफील्ड जब ऊंचाई पे होता है तो उसकी टेक ऑफ उसकी लोड कैरी करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो अगर जैसे हमारे चंडीगढ़ अम्बाला से टेक ऑफ करते हैं और वहाँ टाइम पे पहुँच जाते हैं तो हमारी लोड कैरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, चाहे वो फ्यूल हो चाहे वो बॉम्ब हो। तो वो ये कर सकता है गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में जहाँ पे ऑल्टीट्यूड थोड़े कम है, वो गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में चाइना को एक्टिव एयर बेसिस दे दे अपने, जैसे हमारे लिए अम्बाला चंडीगढ़ हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे टाइप के पैसिव सपोर्ट दे सकता है, लेकिन वो भी अपनी सेना से पाकिस्तान से चढ़ाई करवाए जब हमारा आपस में युद्ध हो, ये मुझे लगता है फारफेस्ट होगा। ओके, सो ये बहुत डिफिकल्ट है, और अगर हुआ भी तो काफ़ी हद तक हम प्रिपेयर्ड हैं। हम प्रिपेयर्ड हैं, अगर दोनों की तरफ से हुआ तो भी मैंने आपको पहला जवाब ये दिया था कि हम प्रिपेयर्ड हैं। हमारी जो हमारी ऑफेंसिव फॉर्मेशंस हैं जिन्होंने इसमें, और जो डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं, दोनों को क्लियर कट डिवीजन है और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट लिए हमने और बहुत फोर्सेस रेस की हैं। अभी हमने माउंटेन स्ट्राइक को रेस कर लिया इसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि पहले हम चीन से मानते थे कि खतरा इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चीन और हमारे आपस में जो भी झड़पें होती थी हम बातचीत से मामले से सुलझा लेते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा, तो माउंटेन स्ट्राइक को रेस की है। और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खतरा कम हो गया है, इसलिए हमने, और जैसे मैंने आपको रीओरियंट किया है फोर्सेज को, वो भी हम कर चुके हैं। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी कि POK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो उसको इंडिया का पार्ट बनना है। डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है? एंड यूनियन मिनिस्टर है सेट कि वन डे दिस माइट हैपन ऑटोमेटिकली, आपको लगता है कि इस बारे में क्या है, सच में पॉसिबल है? देखिए, दिस माइट हैपन ऑटोमेटिकली को तो मैं ये कहूँगा कि कुछ एक घटनाएँ ऐसी हुई हैं पिछले तीन सालों में, चार सालों में, जब से हम 2019 अगस्त में हमने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया था, चार साल हो गए हैं, और इन चार सालों में कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है दैट हैज़ बीन फिनोमिनल, जो पिछले 70 सालों में नहीं की। ये जो सरकारें थी, जो स्वार्थी सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट्स थी, और उनकी अपनी जो आपस की डायनेमिक्स थी और टेररिज्म को मिला करके ये नहीं कर पाए, तो इधर डेवलपमेंट बहुत हुई है। और पिछले चार पाँच साल से, जब से इमरान खान की सरकार थी और अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है, बिल्कुल तकरीबन वही पीरियड है, पाकिस्तान का पतन हुआ है। तो ये जो यूथ है जो देखते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, हम क्या चाहते, आज़ादी, ये नारे लगाते थे, अब किस चीज़ की आज़ादी मांगेंगे ये? इस डेवलपिंग कश्मीर को छोड़ के क्या वो POK में जाना चाहते हैं, जहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है?
दूसरी तरफ बहुत खबरें आई हैं, आपने भी शायद देखी होंगी, कि पीओके में लोग नारे लगा रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। पीओके में लोग नारे लगा रहे हैं उनकी जो कमियां हैं नॉन डेवलपमेंट उसके खिलाफ। तो जब उनकी प्रोटेस्ट होती है और उसको प्रोटेस्ट को पुट डाउन किया जाता है, तब ऐसी ऐसी अटकलें शुरू हो जाते हैं कि दिस माइट हैपन ऑटोमेटिकली, हमें लड़ाई करके नहीं लेना पड़ेगा। वहाँ के लोग कहते हैं हमारे को ऐसे कश्मीर जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो पहले था कि हमारे यूथ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान चाहते हैं, अब वहाँ के लोग जो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उससे ही अटकलें शुरू होते हैं। तो वहाँ के लोग देख रहे हैं अब की डेवलपमेंट तो इंडिया में, जी इंडिया में पार्ट जो था कश्मीर का वो पहले कैसा था और अब क्या हो रहा है उधर। और हमारी गवर्नमेंट ने तो लेजिस्लेचर में उनकी सीटें रखी हुई हैं, क्योंकि हमारे लिए तो J&K एक हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान ने फोर्सिबली आकर के 1948 में कुछ कब्जा कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। फॉर मोर सच क्लिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू राजशमानी क्लिप्स चैनल, बिकॉज हियर वी गेट इंडियाज टॉप लीडर्स टू हेल्प यू बिकम अ बेटर लीडर फॉर टुमारो।